उत्तर प्रदेश इस वक्त यूरिया खाद की समस्या से परेशान है। खाद न मिलने से किसान बहुत परेशान है और जहां खाद मिल रही है वहां किसानों की भारी भीड़ लग रही है। अमेठी में आवास विकास कॉलोनी के समीप किसान खाद गोदाम पर खाद लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, वहीं खाद न मिल पाने से किसानों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। खाद गोदाम पर जैसे ही एक ट्रक द्वारा खाद आई तो किसानों की भीड़ खाद लेने पहुंच गई। इंचार्ज द्वारा किसानों में खाद का वितरण किया गया। सुबह 6 बजे से ही लोग खाद लेने के लिए पहुंचे थे। 11 बजे तक तो लोगों को खाद ही नहीं मिल पाई। किसानों का कहना है कि एक सप्ताह से खाद लेने के लिए आ रहे हैं, नंबर ही नहीं आ रहा और शाम हो जाती है। किसानों ने अपनी फसलों में खाद न पड़ने से होने वाले नुकसान की चिंता जताई है। भीड़ है, इतनी देर से हम लोग लाइन लगाए थे, तब जाके मिली, नाम लिखा है खाद मिलेगी बाहर। क्या हम लोग आज सुबह से आ रहे थे, 8 बजे आए थे। बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है साहब, तीन देर से दौड़ रहे। कितने बजे सुबह से आए हैं आप? 5:30 बजे यहाँ आए। अब कितना बज रहा है? 12:30 होने को आया। लोग बुढ़े आदमी जो है परेशान हो जाते हैं दिन भर, और फिर खाद नहीं पाते तो वापस चले जाते हैं। समझे, सुबह करीब 7:30 बजे आए, से जो प्रॉब्लम है 7:30 बजे आए और उसके बाद से नंबर जी पूछा है, देखो खाद पाते हैं कि नहीं। 276 मेरा नंबर है। सबसे यह है पब्लिक यहाँ परेशान हो रही है, खाद बराबर मिल नहीं रही है। ये सरकार की भी लापरवाही है कि यहाँ पर खाद अवेलेबल नहीं है, तो बांटने वाले ही क्या करें? जब तक उनको खाद नहीं मिलेगी तब तक बांटेंगे क्या? किसान है सब, किसान लोग, खाद नहीं मिल रही है, हर एक चीज़ है, रोग लग गए हैं धान में, वो भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। खाद की वजह से खाद डाल करके धान में पैदा करें। पूरा दिन बीत जाता है पर किसानों को खाद नहीं मिल रही। बड़ा सवाल ये है कि इस महामारी में जहां एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखनी है, वहीं किसान खाद की समस्या के आगे सब कुछ भूलकर भीड़ का हिस्सा बन रहा है। किसानों का कहना है कि एक हफ्ते से हम लोग दौड़ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। देखो, हजारों की भीड़ में लोग इकट्ठा हुए हैं, सबको इतनी समस्या है। घासा एक ऐसी बीमारी है कि यूरिया के साथ दवा मिला के डाली जाती है, अगर यूरिया ना मिले तो खेत में केवल वो पैरा हाथ में आता है। भैया, व्यवस्थाएँ होना चाहिए यहाँ पर, जो है जो भी सरकार है, चाहे वो सांसद निधि से हो, चाहे यहाँ के विधायक जो है निधि से हो, कोई मिला करके किसान को हर प्रकार की सुविधा होना चाहिए। खाद जो है समय पर आवे, जिससे कि बांटने में और लोगों को मिलने में किसी प्रकार की व्यवस्था न हो। इफ्को इंचार्ज कहते हैं कि किसानों की समस्या हर जगह है। हमारे 9 केंद्र हैं, हर जगह समस्या है। यूरिया प्लांट कभी 2 दिन के लिए बंद हो जाता है, इसलिए खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उसके द्वारा की गई खेती से जनता, नेता सभी का पेट भरता है। किसान काफी मेहनत करके अनाज उगाता है, लेकिन सिर्फ खाद की कमी के चलते अगर फसलें तबाह होती हैं, ये सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। देश पहले ही कोरोना की मार झेल रहा है, ऐसे में यदि किसानों की समस्या हल नहीं होती तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश में लोगों को अनाज के लिए भी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। अमेठी से Now44 न्यूज के लिए अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।